अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आते ही मुल्क छोड़कर भागने वाले साबिक सदर अशरफ गनी के भाई ने अब अफगानियों को धोखा दिया है। हशमत गनी ने मुबैना तौर पर तालिबान से हाथ मिलाया है। ज़राए के मुताबिक हशमत गनी ने तालिबान लीडर खलीलुरहमान और मजहबी रहनुमा मुफ्ती महमूद जाकिर की मौजूदगी में तालिबान की हिमायत का ऐलान किया है। अशरफ गनी इस वक्त अपने खानदान के साथ UAE में हैं। गनी पहले पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान गए थे, जहां उनके तैयारी को उतरने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसके बाद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर UAE ने अशरफ गनी को अपने मुल्क में पनाह देने का ऐलान किया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान लगातार अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। हाल ही में एक वीडियो मंजरआम पर आई है, जिसमें तालिबान को अमेरिकी हथियारों के साथ परेड करते हुए देखा जा सकता है। अफगान आवाम के साथ साथ दुनिया वालों के जहन में तालिबान का तस्वीर हथियारों के साथ जुड़ा हुआ है, और गोया हथियार के बगैर तालिबान की तस्वीर अधूरी सी मालूम होती है। यही वजह है कि अफगान आवाम और आलमी बरदरी दोनों ही अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर तशवीश में मुबतला हैं। जले एक ऐसे जहां में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर, जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां खुदरत के जायकों का मिलाप होता है। मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे की आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोल्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद।